जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर आसीन होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित हैं, और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफी कुछ बातें रखी भी थी, और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज अ सांसद भी हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। आपने अपने कार्यक्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु एक कमिटमेंट के साथ जो अभियान चलाया है, और सुपोषित मां इस अभियान को आपने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के खुद को इन्वॉल्व करके किया है, वो वाकई प्रेरक है। आपने कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम, जो राजनीतिक कामों के सिवाय करने वाले कामों में आपने चुना है, वो भी अपने आप में गांव गांव लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रहा है। आप नियमित रूप से गरीबों को कपड़े, कंबल, मौसम के अनुसार छाता की जरूरत है छाता,